आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर की। वांट ऑफ फैक्टर क्या है और उसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, आज हम ये देखेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ सल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। और कभी अगर सल्यूट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन कुछ भी होता है तो ऐसे में सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं, और सल्यूट के यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे तो ऐसे में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू कैलकुलेटेड होती हैं वो भी एग्जैक्ट नहीं आती हैं। तो इसलिए नया एक टर्म वांट ऑफ फैक्टर को और उसमें इंक्लूड किया गया जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है। तो हम कहते हैं कि डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। और डिफरेंट ये जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं दे कैन बी चेंज्ड, इनमें वेरिएशन होता है यदि सल्यूट के अंदर कुछ एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो, सल्यूट के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो तो ऐसे में नंबर चेंज होगा। नंबर चेंज होगा तो इसका इफेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर भी आएगा। तो देखिए इस तरह से हम किस तरह इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर इट टेल्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ सल्यूट, द इफेक्ट ऑफ सल्यूट ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस वेंट ऑफ फैक्टर को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो आप सब जानते हैं, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करते हैं कि इस आई की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो देखिए, आई की वैल्यू इक्वल्स टू होती है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब यदि सल्यूट में कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो उसके कारण अब मोलर मास क्या हो गया है वो उसका एबनॉर्मल मोलर मास कहलाता है। उसी तरह से इस आई को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। हम सब जानते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस पे डिपेंड करती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यदि हम आई को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन करें तो वो भी क्या हो जाएगा, इस तरह से ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो गया है, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन है उसको इस तरह से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू किसकी निकलती है, आई की। अब एक एग्जांपल देख के हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, ये बेंजीन के अंदर एक डाइमर के फॉर्म में रहता है, बेंजीन में ये एक डाइमरिक फॉर्म में रहता है। देखिए किस तरह से, जैसे ये CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर CH3COOH ये एसिटिक एसिड का सेकेंड मॉलिक्यूल है। तो बेंजीन के अंदर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से हो जाती है, तो ये डाइमर के फॉर्म में रहेगा। तो इस एसिटिक एसिड के लिए यदि हमें आई कैलकुलेट करना हो
तो देखिए मोलर मास की बात करेंगे तो नॉर्मल मोलर मास यानी कि बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हम बात करें और आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बात करें तो यहाँ पर मोलर मास इसका पहले 60 था, बाद में 120, इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। ठीक है, इसी तरह से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो देखिए जब डाइमर बन गया तो पार्टिकल का नंबर हो गया हाफ यानी कि 0.5, और उससे पहले बिफोर एसोसिएशन क्या था, 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5। इट मीन्स यदि एसोसिएशन हो रहा है, हम इसको किस तरह से कंक्लूड करेंगे, यदि एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, तो आई हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, इसी तरह से यदि हम डिसोसिएशन की बात करें, जो आयनिक कंपाउंड्स में देखा जाता है, जैसे के सी एल है, ये किस में डिसोसिएट होगा, के प्लस और सी एल माइनस में। इसके लिए यदि हमें आई की वैल्यू निकालनी हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर इस जो था डिसोसिएशन क्या थे, 1, तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या आ गई, 2। इट मीन्स यदि डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। सो ये दो बातें हमें कंक्लूड करनी है कि एसोसिएशन के केस में आई 1 से कम होता है और डिसोसिएशन के केस में आई 1 से ज्यादा होता है। इस वेंट ऑफ फैक्टर आई को हमें सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जब हम डिटरमाइन करते हैं उसमें इसको इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है। देखिए अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट, ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को, जिसको सिंप्लीफाई करके हम किस तरह से लिखते हैं, एन टू अपॉन एन वन। यहाँ पर इस वेंट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम। इसके लिए भी यहाँ पर आई को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक इसी तरह से थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, के एफ एम के। इसका भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम किससे कर देते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर से। और ठीक इसी तरह से लास्ट हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसको पाई से डिनोट करते हैं हम, और ये किसके बराबर होता है, आर टी अपॉन वी के। ठीक है, एन आर टी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर भी हम इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिजल्ट्स को एग्जैक्ट लाने के लिए उन सब में हम आई का मल्टीप्लिकेशन वन ऑफ फैक्टर का कर देते हैं ताकि उनके सही रिजल्ट्स आ सके।